तदं यत्र यजहस्ति न तद्वचित् यदि हस्ति तदं यत्र यजहस्ति न तद्वचित् तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारा सम्मान कुछ खा गया है ये रिश्ता शर्मसार हुई द्रौपदी। पांच पांडवों के होते हुए भी पांचाली का भरी सभा में हुआ अपमान। सबके सामने बेइज्जती का घूंट पीती हुई द्रौपदी को पांच पांडव देखते ही रहे। चाहकर भी कोई सामने नहीं आया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन हाथ जोड़े खड़े उसके रखवालों ने जैसे देखकर भी सब अनदेखा कर दिया। चौपड़ के खेल में खुद को हार चुकी द्रौपदी अपमानित होती चली गयी। ये महाभारत का वो अध्याय है जो सदियों से ना कोई भूला है और ना ही कोई भूल पाएगा। महाभारत की कहानी द्रौपदी के अपमान की कहानी भी कही जा सकती है। ये वो अध्याय है जिसके कारण महाभारत रची गई। तुमने द्रौपदी की विवशता देखी है, अब मैं तुम्हारा विध्वंस देखूंगी। जिस देवर को अपनी भाभी का सम्मान करना चाहिए था, वही देवर उसे भरी सभा में ले आया। उसने अपनी भाभी को शर्म से तार तार कर दिया। इस सभा में द्रौपदी की सिसकियां हर किसी ने सुनी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। बिखरे हुए बालों के साथ रोती हुई द्रौपदी की जैसे जिंदगी ही बिखर गई थी। जब द्रौपदी के चीरहरण की बात आई, तब जाके पांडवों ने अपना मुंह खोला। यदि पांचाली को स्पर्श भी किया तो उसी क्षण तुम्हें मार डालूंगा। जेष्ठ हमें आदेश दीजिए, शस्त्र उठाने दीजिए। जेष्ठ दुर्योधन, मैं इस राजभवन के एक एक पत्थर को तोड़ दूंगा। जेष्ठ, या तो हमारे प्राण ले लो या इस दुर्योधन के प्राण लेने की आज्ञा दो। खैर कोई बात नहीं, द्रौपदी को बचाने के लिए भले ही अभी पांडव बेबस हो, लेकिन कोई आएगा जो द्रौपदी को इस मुश्किल से बाहर निकालेगा। द्रौपदी का सखा उसे इस अपमान से जरूर बचाएगा। और फिर ये अध्याय भी तो कोई नहीं भूला। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले के साथ ऋषि मिश्रा की रिपोर्ट।